हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक से हैं। एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास डिफरेंट OSI लेयर्स रहती हैं, तो उसमें हमारा नेटवर्क लेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो हमारा GATE 2006 में पूछा गया था। एंड ये जो क्वेश्चन था हमारा 2 मार्क्स का था। एंड एक चीज़ और, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको ये जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है एंड इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 220+ PYQs वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आगे मैं ऐसा कंटेंट कंटिन्यू करता रहूँ। एंड आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ठीक है। एंड कुछ भी आपको चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से, या फिर कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाना है, तो आप वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइन लिख सकते हैं, या तो क्वेश्चन पूरा कॉपी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्दी से जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, इस क्वेश्चन का फिर अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दैट टू कंप्यूटर्स C1 एंड C2 आर कन्फिगर्ड एज फॉलोज, ठीक है। दो कंप्यूटर्स हमारे पास C1 एंड C2। C1 हैज़ IP एड्रेस दिस, C1 के पास IP एड्रेस ये है एंड नेट मास्क ये है, ठीक है। एंड C2 हैज़ IP एड्रेस दिस एंड नेट मास्क ये, ठीक है। तो दो कंप्यूटर हमारे पास C1 और C2, उन दोनों की IP एड्रेस और नेट मास्क गिवन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इनमें से चार ऑप्शन हमें गिवन है, चार में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन ने हमसे बेसिकली पूछा क्या क्या है। ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, C1 एंड C2 बोथ एज्यूम दे आर ऑन द सेम नेटवर्क, ठीक है। C1 एंड C2 को दोनों को लग रहा है कि दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, ठीक है। देन बी ऑप्शन क्या कह रहा है, C2 एज्यूम C1 इज ऑन द सेम नेटवर्क। तो C2 क्या कह रहा है कि C2 को लगता है, ऐसा C2 को ऐसा लगता है कि C2 और C1 दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, ठीक है। बट C1 एज्यूम C1 एंड C2 इज ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क नेटवर्क बट C1 के अकॉर्डिंग C1 और C2 दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं, C1 और C2 दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। देन ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑब्वियसली उसका उल्टा बोलेगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, C1 एज्यूम C2 इज ऑन द सेम नेटवर्क। C1 और C2 सेम नेटवर्क पे हैं, ये किसके हिसाब से, C1 के हिसाब से, ठीक है। बट C2 एज्यूम C1 इज ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क बट C2 के अकॉर्डिंग C1 और C2 दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे, दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि C2 के अकॉर्डिंग दोनों सेम नेटवर्क पे थे, यहाँ पे C1 के हिसाब से दोनों C1 C2 डिफरेंट सेम नेटवर्क पे हैं, ठीक है। देन डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, C1 एंड C2 बोथ एज्यूम देयर ऑन डिफरेंट नेटवर्क। तो C1 C2 के हिसाब से दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क पे हैं, ठीक है। तो जितने बेसिकली हमारे पास चार कॉम्बिनेशन हो सकते थे, वो चारों कॉम्बिनेशन हमें पूछ ले गए हैं। दोनों सेम नेटवर्क पे हो सकते हैं, या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, या दोनों के हिसाब से C1 के हिसाब से चलेगा, फिर C2 के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप देखें, हमें अगर पता अगर हमें दो IP एड्रेस गिवन, लेट्स सपोज हमारे पास एक होस्ट है H1 देन सेकेंड होस्ट है H2, ठीक है। इनके IP एड्रेस लेट्स सपोज हम मान लेते हैं C1 C2, इन दो के इन दोनों होस्ट की IP एड्रेस है, ठीक है। एंड एक हमारे पास नेट मास्क N है, ठीक है। तो अगर हम इस C1 IP एड्रेस का इस नेट मास्क के साथ एंड करेंगे, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करेंगे, एंड इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करने से हमारे पास क्या आएगा, C1 और नेट मास्क का अगर एंड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनली, वो आएगा नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस, C1 जिस नेटवर्क में है ना, उसका नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेट सपोज ये NA1 आ जाती है वैल्यू, ठीक है। एंड सेम अगर हम C2 के साथ करें, C2 IP एड्रेस के साथ हम एन का नेट एन जो नेट मास्क है उसके साथ एंड करें, C2 एंड N करें, एंड लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास NA2 वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब अगर ये NA1 और NA2 ये दोनों अगर इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि C1 और C2 है ना सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर दोनों का नेटवर्क एड्रेस सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, और अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, दोनों डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा लॉजिक है जो हम इस पूरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड ये जनरल कंसेप्ट है, आप सभी को ये IP एड्रेसिंग का अगर आइडिया होगा तो इतना बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा कि अगर एक नेटवर्क के अंदर अगर दो IP एड्रेस है C1 C2 एंड उनका जो नेट मास्क N रहेगा, इन दोनों का नेटवर्क एड्रेस निकालेंगे इस N के साथ एंड करके, तो ऑब्वियसली वो सेम आना चाहिए, ठीक है। और अगर डिफरेंट आया तो ऑब्वियस तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे एक एक नेटवर्क में बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो अगर अब हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास टोटल कितने IP एड्रेस हैं, यहाँ पे C1 एंड C2 है जो क्वेश्चन में गिवन है,
और दो नेट मास्क है। लेट सपोज इस नेट मास्क को हम नाम दे देते हैं N1 एंड इसको हम नाम दे देते हैं N2, ठीक है, C1 C2 और दो नेट मास्क है N1 N2। अब यहाँ से टोटल चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। इन चार कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस C1 और N1 का एंड कर लेंगे, C1 और N1 का एंड कर लेंगे, ठीक है। इस यहाँ से जो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस आया, लेट सपोज NA1 कह रहे हैं, उसे नाम दे रहे NA1 दे रहे हैं, एंड इसके बाद फिर C2 और N2 का कर लेंगे, ठीक है, C2 और N2 का कर लेंगे, C2 और N2 का कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, NA2 आया, नेटवर्क एड्रेस 2 आया, ठीक है। और हमें अब चेक क्या करना है, अगर ये दो ऑप्शन देखेंगे आप ध्यान से बी और सी में, कि C2 एज्यूम कर रहा है कि C1 इज ऑन द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क का मतलब क्या है, कि अगर हम C1 का एंड करेंगे C2 के नेट मास्क के साथ, C2 का नेट मास्क क्या है हमारे पास N2, C1 का एंड करेंगे N2 के साथ, तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए जो हमारा C2 का है, लाइक ये वाला जो NA2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि कहने, लाइक पहले C1 का ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर C1 का यहाँ पे N2 के साथ करें, C1 का N2 के साथ करें, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे है NA3 एंड ऐसे ही फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, कि अगर C2 का N1 के साथ करें। अभी बताता हूँ कि ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। NA4 आया यहाँ पे, ये तो चार हमारे पास नेटवर्क एड्रेस आ गए। अब इन चार नेटवर्क एड्रेस का मतलब क्या है, कि अगर ये वाला नेटवर्क एड्रेस NA1 और NA4 ये दोनों अगर इक्वल हो गए, इसका क्या मतलब है, इफ NA1 इक्वल टू NA4, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि C1 को ऐसा लग रहा है, C1 assumes दैट ये जो C1 है और ये जो C2 है, ये सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। C1 और C2 सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, ऐसा C1 को लग रहा है, क्योंकि हमने C1 का नेटमास्क एड्रेस यूज़ करा है यहाँ पे, N1 यूज़ करा है, ठीक है। हमने यहाँ पे C1 का नेटमास्क यूज़ करा है, तो इसलिए अगर ये दोनों इक्वल आ गए, NA1 और NA4 इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि C1 एज्यूम दैट C1 एंड C2 इज ऑन द सेम नेटवर्क, ठीक है। एंड अगर NA2 और NA3 की वैल्यू अगर इक्वल आ गई, NA2 इक्वल टू NA3, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि C2 को ऐसा लग रहा है, C2 एज्यूम्स दैट C1 and C2 सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन दोनों, क्योंकि हमने C2 का यहाँ नेटमास्क N2 के साथ करा, तो नेटवर्क एड्रेस 2 आया, एंड सेम हमने C2 का नेटमास्क हमने यहाँ पे यूज़ करा विद रिस्पेक्ट टू C1 हमने यूज़ करा है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि C2 assumes कि C1 and C2 सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन आपस में ट्रू हो गई, लाइक NA2 equal to NA3 और NA1 equal to NA4, तो हम कह सकते हैं इफ NA1 equal to NA4 एंड ये वाली कंडीशन में ट्रू होगी NA2 equal to NA3, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए क्या कह रहा था, कि C1 एंड C2 बोथ एज्यूम देयर ऑन द सेम नेटवर्क, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमें निकालना है, क्या ये चारों वैल्यू निकालनी है, ये चारों वैल्यू निकालने के बाद हमें चेक करना है कि कौन सी कंडीशन के साथ मैच करेगा। अगर ये वाली कंडीशन मैच हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी के लिए क्या कंडीशन होगी, ऑप्शन बी के लिए भी कंडीशन निकाल लेते हैं, दैट C2 एज्यूम C1 इज ऑन द सेम नेटवर्क, C2 के हिसाब से C1 और C2 सेम नेटवर्क पे हैं। ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन मतलब C2 एज्यूम C1 और C2 ऑन द सेम नेटवर्क, ये जब कंडीशन ट्रू होगी, NA2 इक्वल टू NA3 एंड इसके साथ कौन सी कंडीशन आएगी, आप आगे पढ़ेंगे, बट C1 एज्यूम C2 इज ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, C1 ने एज्यूम करा है कि C1 और C2 दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब NA1 और NA4 की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी, NA1 is not equal to NA4, जब ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू NA1 और NA4, अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं, किसके परस्पेक्टिव में, C1 के परस्पेक्टिव से, क्योंकि हमने C1 का नेटवर्क यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। देन सी वाला ऑप्शन अगर कब करेक्ट होगा, उसके लिए कंडीशन हम लिख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, दैट C1 एज्यूम C2 इज ऑन द सेम नेटवर्क, C1 ने एज्यूम कर लिया कि C2 सेम नेटवर्क पे है। इसका मतलब है कि NA1 और NA4 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, NA1 और NA4 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एंड उसके आगे भी है हमारे पास कॉमा, बट C2 एज्यूम C1 इज ऑन डिफरेंट नेटवर्क, C2 ने एज्यूम करा है कि C1 और C2 दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब NA2 और NA3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी, ठीक है, NA2 इज नॉट इक्वल टू NA3,
ठीक है, ये अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। एंड फाइनली डी ऑप्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सी वन एंड सी टू बोथ एज्यूम देयर ऑन द डिफरेंट नेटवर्क्स। तो अगर एन ए वन जो है और एन ए फोर है, ये दोनों नॉट इक्वल आ गए सेम एट द सेम टाइम, एन ए टू और एन ए थ्री भी नॉट इक्वल टू आ गए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो प्रूव हो जाएगा कि दोनों डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एन ए डी के लिए क्या, डी ऑप्शन में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एन ए वन इज नॉट इक्वल टू एन ए फोर एंड एन ए टू इज नॉट इक्वल टू एन ए थ्री। तो ये टोटल चार नेटवर्क एड्रेस हम निकाल लेंगे एंड देन इन ऑप्शन इन कंडीशन के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट ये वाला जो स्टार्टिंग में को कंसेप्ट बताया ना नेटवर्क एड्रेस निकालने का, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। ठीक है, अब ठीक है, ये सारे एन ए वन एन ए टू एन ए थ्री एन ए फोर इन चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले सी वन की वैल्यू क्या है, सी वन का एड्रेस क्या है, 203.197.2.53 203.197.2.53। बाद में देख लेंगे कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट किस ऑक्टेट को करना है या कितने ऑक्टेट शो करना है एक तरीके से। एंड सी वन का नेटमास्क हमारे पास कितना है, 255.258.0 255.255.128.0। ठीक है, ये हमारा सी वन है, ये हमारा नेटमास्क का एन वन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंड करते हैं लॉजिकल लाइक बिटवाइज एंड करेंगे। तो यहाँ पे 255 है, जो 255 जब होता है हमारे डायरेक्टली जो ऊपर वाला टर्म लिखा है पूरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 255 में जो 8 बिट रहेगा सारे वंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 203 आ जाएगा, 203 एंड यहाँ पे भी 255 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये जो टर्म लिखा है ये सेम आ जाएगा 197 एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में हमारा जीरो है तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। लाइक जीरो के साथ किसी का भी एंड करेंगे तो सिंपली जीरो ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस थर्ड ऑप्शन को हमें करना पड़ेगा बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 008 बिट में लिखना है ना, 4056 देन सेवन्थ बिट जो हमारी सेवन्थ बिट रहेगी यहाँ पे ये वन रहेगी, देन 8 बिट हमारी जीरो रहेगी। ठीक है, देन सेम फॉर अगर 128 को करेंगे कैसे आएगा, 128 की फर्स्ट बिट जो रहेगी वो वन हो जाएगी, बाकी सारी जो बिट्स सेवन बिट्स बची वो सारी जीरो रहेंगी, 1 2 4 5 6 7। अब इनके बीच में जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉमन वन कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ कहीं पे भी कॉमन वन नहीं आ रहा है, सब जगह जीरो आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जीरो आया। ठीक है, एंड यहाँ पे ये हमारा क्या है, एन ए वन आया, ये हमारा एन ए वन आया। ऐसे में एन ए टू एन ए थ्री एन ए फोर निकालना है एंड फिर कंपेयर करना है कंडीशन के हिसाब से। एन ए टू निकाले, एन ए टू के लिए सी टू कितना है, 203.197.75.201। ठीक है, 203.197.75.201 ये हमारा क्या है, सी टू। एंड इसके लिए हमारे पास एन टू क्या था, नेटमास्क एड्रेस क्या था, एंड नेटमास्क एड्रेस 255.255.192.0 255.255.192.0। ठीक है, इनके बीच में एंड ऑपरेशन करते हैं एंड देखते हैं, यहाँ पे 255 है डायरेक्टली 203 जो लिखा है ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, 203.197. थर्ड ऑक्टेट हमें निकालना पड़ेगा एंड फोर्थ ऑक्टेट जीरो है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑक्टेट के लिए हमें 75 को लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। सबसे पहले 8 बिट में लिखना है 75 को, तो कैसे लिखेंगे, सिंपली 128 वाली यहाँ पे 8 बिट जो है वो जीरो रहेगी, देन 64 देन 00 देन 11 हमें और चाहिए 1011, ये हमारा 75 आ गया। एंड 192 को कैसे लिख सकते हैं, 128 + 64 192 एंड बाकी सारी बिट जीरो हो जाएंगी। अब इनके बीच में जब एंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, लाइक इसकी एंड 000 कहाँ पे, सिंपली एक वन आ रहा है यहाँ पे, लाइक सेकंड बिट पे वन आ रहा है, 01 ऐसे चलेगा, 0100। हाँ, तो ये इसका जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वापस तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एन ए टू आ गया, ये हमारा एन ए टू आ गया। ऐसे हमें एन ए थ्री और एन ए फोर भी निकालना है। एन ए थ्री कैसे निकालेंगे, एन ए थ्री हमने कैसे निकाला है यहाँ पे, एन ए थ्री सी वन और एन टू को लेके, सी वन और एन टू को लेके। ठीक है, सी वन तो हमारे पास है बाइनरी में, जहाँ पे जरूरत है वो ले लेंगे, 203.197.2 को हम बाइनरी में डायरेक्टली लिख लेते हैं, 0000 एंड 0010.53 एंड एन टू हमारे पास है 255.25 ये वाला। ठीक है, 255.255.192 192 को लिख लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं .0। ठीक है, 3 4 5 6 हाँ, ये हमारा क्या है, सी वन और ये है एन टू। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं एंड कर लेते हैं, एंड करेंगे तो कितना आएगा डायरेक्टली 203.197 यहाँ पे कोई भी बिट कॉमन नहीं आ रहा है वन जहाँ पे हो .0.0 तो ये हमारा क्या है, एन ए थ्री, एन ए थ्री।
अब एन ए फोर भी निकाल लेते हैं। एन ए फोर कैसे निकालना है, सी टू को लेना है और एन वन को लेना है। सी टू हमारा कितना है, ये वाला 203.197.75 को लिख लेते हैं बाइनरी में, 01001011.201। देन एन वन हमारे पास है 255.255.120 को बाइनरी में लिख लेते हैं 170.0.0। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा ये हमारा क्या है, एन ए फोर आएगा, एन ए फोर। अब इस पर करेंगे जब लॉजिक एंड करेंगे, लॉजिकल नहीं बिट वाइज एंड, 203.197. कोई भी बिट कॉमन नहीं आ रही है यहाँ पे, वन हो तो डायरेक्टली 0.0, ये हमारा एन ए फोर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन मैच करिए। सबसे पहले हम किसको करना है, एन ए वन और एन ए फोर को। ठीक है, एन ए वन कितना है हमारे पास 203.197.0.0, एन ए फोर भी कितना है 203.197.0.0, तो एन ए वन और एन ए फोर तो बराबर आ गए, एन ए वन इक्वल टू एन ए फोर। ठीक है, एंड एन ए टू एंड थ्री को मैच करेंगे, एन ए टू हमारा कितना है 203.197.64.0 और एन ए थ्री हमारे पास कितना है 203.197.0.0। यहाँ पे हमारे पास एन ए टू में 64 है बट यहाँ पे 0 है, तो ये ऑब्वियसली नॉट इक्वल है, एन ए टू इज नॉट इक्वल टू एन ए थ्री। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, जो हमने कंडीशन बनाई थी। तो एन ए वन और एन फोर बराबर है, यहाँ पे ऑप्शन ए भी एन ए फोर, एन ए वन एन ए फोर बराबर थे, ठीक है, ये हो सकता है। ऑप्शन बी ये कह रहा था एन ए वन नॉट इक्वल टू एन ए फोर, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी कह रहा था एन ए वन नॉट इक्वल टू एन ए फोर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा था एन ए वन इक्वल टू एन ए फोर, ये सही हो सकता है। देन सेकंड कंडीशन क्या है, एन ए टू इज नॉट इक्वल टू एन ए थ्री, तो ये ऑप्शन कह रहा था एन ए टू और एन ए थ्री बराबर होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, एंड सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा था हमारे पास कि सी वन एज्यूम सी टू इज ऑन द सेम नेटवर्क बट सी टू एज्यूम सी वन इज ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, सो सी वन के हिसाब से सी वन सी टू सेम नेटवर्क पे हैं क्योंकि एन ए वन और एन ए फोर की वैल्यू इक्वल आई है, बट सी टू कह रहा है सी टू के हिसाब से सी वन और सी टू दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं क्योंकि एन ए टू और एन ए थ्री की वैल्यू डिफरेंट आई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा होता है एंड हमारा जो फाइनल आंसर आया वो सी आंसर आया। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट हो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका आंसर करूँगा। एंड अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, एंड इस चैनल पर अप्रॉक्सिमेटली 220+ वीडियोस हैं PYQ से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।